हेलो आर्मीज, तो हमारे बीटीएस के मेंबर जिन आजकल मिलन गए हुए हैं वहाँ के फैशन वीक को अटेंड करने के लिए। और दोस्तों, ये फैशन वीक काफी ज्यादा फेमस होता है और जब से जिन वहाँ पर पहुँचे हैं हर जगह न्यूज पर जिन की ही बातें हैं। और अपनी आर्मीज से बीटीएस के मेंबर जिन इतने बड़े इवेंट के बाद ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी बीटीएस के नियम को निभाते हुए इस इवेंट के खत्म होते ही हमारे प्यारे से जिन हमसे मिलने के लिए आ चुके हैं वीवर्स पर। और दोस्तों, वीवर्स पर जिन ने अपना इतने टाइम बाद एक लाइव किया है, तो आइए जानते हैं कि इस लाइव में जिन ने आर्मी से क्या क्या बातें करी हैं। तो लाइव स्टार्ट होते ही लाइव का कैप्शन था हेलो आई एम जिन, जिसके बाद जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ जिन ने सभी को ग्रीट किया और बोला कि बहुत टाइम हो गया जब से उन्होंने लाइव नहीं किया, वो लाइव करना चाहते थे इसीलिए वो जल्दी जग गए। वो रात को देर से सोए थे लेकिन फिर भी थोड़ी देर हो गई उनको जगने में। उसके बाद जिन ने बोला कि काफी टाइम हो गया है, 10 ही मिनट हुए हैं, मैं एक लाइव करना चाहता था इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। मेरा फेस ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ, प्लीज बी अंडरस्टैंडिंग। बट जिनको क्या पता कि उनका फेस तो एकदम एंजल जैसा है, हमेशा अच्छा ही लगता है चाहे कुछ भी हो। उसके बाद जिन ने आर्मीज को बताया कि वैसे तो उन्हें प्लेन पर जाना है और उन्हें सफर करना है, और लेकिन उनका टाइम जो है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है वहाँ के टाइम के हिसाब से, लेकिन क्योंकि वो कोरियन है तो जिन ने सोचा कि उन्हें कोरियन टाइम में ही लाइव करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने लाइव अभी स्टार्ट कर दिया। फिर जिन ने बोला कि उनके बाल ना बहुत ही ज्यादा अजीब से हो रहे थे इसीलिए उन्होंने बिगेट वाली हैट पहनी हुई है, और कोई भी अच्छी चीज हो ये हैट सबसे अच्छी लगती है। फिर जिन ने बोला कि मैं गुची का एम्बेसडर हूँ तो मेरे पास गुची की हैट भी है और मैंने उनसे मांगा है तो वो देंगे मुझे। उसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स वैरायटी शो के बारे में बताया, और फिर जिन ने बताया कि 10 के आसपास के दिन उन्होंने शूट किया था नेटफ्लिक्स के शो के लिए और अभी वो शो आएगा तो उन्हें पता नहीं है कि अभी क्या क्या वो बोल रहे हैं। फिर जिन ने बोला कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैं तो लाइव करना चाहता था, जैसे ही मैं उठा मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद जिन ने बोला कि जैसे ही ये सब कुछ खत्म हुआ मैंने काफी कुछ काम किया और अब मैं सोच रहा हूँ कि काफी सारी चीजें आएंगी आगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि आप सभी मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं तो थोड़ा बहुत म्यूजिक भी चला देता हूँ। उसके बाद जिन ने थोड़ा बहुत म्यूजिक चलाया, फिर जिन ने बोला कि क्या मैं तुम्हें सॉन्ग दिखा दूँ जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर कंपनी काफी फ्रीक आउट हो जाएगी तो इसीलिए मैं अभी हमें गाना नहीं दिखा सकता, बाद में जब रिलीज होगा तब दिखाऊंगा। उसके बाद जिन बताने लगे कि इवेंट के बाद वो आफ्टर पार्टी में गए थे और जाना चाहते थे वहाँ पर, पता करना चाहते थे कि कैसा होता है, तो इसलिए चले गए। हालांकि वो किसी को जानते नहीं थे तो इसलिए वो कोने में बैठ गए और शैंपेन पीने लगे, और फिर वो सोचने लगे कि यार मून कितना सुंदर है और स्टाफ और होटल वगैरह कितना अच्छा है, और उसके बाद वो घर आ गए। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बार पहले भी हमने देखा था कि एक पार्टी में जिन एकदम कोने में बैठे हुए हैं, तो वही जिन ने इस बार भी किया। उसके बाद जिन ने आर्मी से और सारी बातें बताई, फिर उन्होंने बोला कि अब मैं इतनी जल्दी उठ गया हूँ तो फिर गेम खेलना तो बनता ही है। और दोस्तों, उसके बाद जिन ना गेम खेलने लगे, फिर जिनको बहुत ठंडा लग रहा था तो जिन बोले कि यार इतना ठंडा क्यों हो रहा है। फिर जिन आर्मीज को बताने लगे कि वो आर्मीज के लिए नई नई चीजें करना चाहते हैं और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि आर्मीज को अपनी सारी साइड्स अच्छे से दिखा सके। उसके बाद जिन गेम खेलने लगे और आर्मीज से बातें करने लगे, और दोस्तों गेम खेलते खेलते आपको पता ही है कि जिन कैसी कमेंट्री करने लग जाते हैं, तो फिर जिन वही कर रहे थे, अपने आप को ही कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे और कुछ ना कुछ खेल रहे थे। उसके बाद जिन बोले कि भाई बहुत ही मजा आ रहा है, कभी वो मर जा रहे हैं कभी कुछ हो रहा है, और जिन खुद ही ना एकदम से अपने अपने बातें कर रहे पड़े थे, और उसके बाद गेम खेलते खेलते काफी मजे कर रहे थे। उसके बाद जिन तो यही करने में लगे हुए थे और आर्मीज जिनको देख रही थी, साथ ही साथ गेम की स्क्रीन भी दिख रही थी, तो आर्मीज को भी देखने में काफी मजा आ रहा था। उसके बाद सोक जिन जो है यानी हमारे जिन है वो ना बार बार से ऐसे कमेंट्स वगैरह पढ़ने लग गए और मजाक में ये भी बोल रहे थे कि यार मेरा टिकट कैंसिल कर देना मैनेजर, अगर मैं इस गेम को ना खेल नहीं पाया आगे से। तो उसके बाद उनके मैनेजर भी वहीं पर थे तो वो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे, और जिन खुद से ही बातें करते करते गेम खेल रहे थे, और उसके बाद लास्ट में उनका गेम ही ओवर हो गया और जिन बोल रहे कि अबे ये क्या हुआ, इतनी जल्दी खत्म हो गया, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। उसके बाद जिन बोले कि अब तो मुझे कोरिया वापस जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास कोई भी मौका नहीं बचा। हालांकि इसके आगे जिन ने क्या बातें करी वो हम आपको पार्ट टू में जरूर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।